हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आए हुए हैं ऋषिकेश और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, नीलकंठ पे। कैसे? पैदल ट्रैकिंग करके। हमने गाड़ी कर दिया पार्किंग में खड़ी। तो अभी मैं हूँ, दीक्षित भाई हैं, सौरभ जी जो हैं साथ में। तो हम तीनों कल आए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने हरिद्वार में इंजॉय किया और ऋषिकेश में रात को स्टे किया, कैंपिंग वगैरह की हर एक चीज़। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग साथ में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस अच्छे से एक व्यू को वीडियो में इंजॉय कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी जो रास्ता था वो था एकदम से प्लेन सड़क थी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर अपना जो ऋषिकेश की पैदल यात्रा है वहाँ से। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की ये चढ़ाई है, जो कि आप देख ही सकते हैं प्रॉपर ऐसी, मतलब है ऊपर तक। बाकी जैसी भी रहेगी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज़ है कि आज एडवेंचर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई भी ज़्यादा है, अभी से गला सूख गया है और पता नहीं क्या क्या सूखने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं आगे बिना बोर किए हुए आगे चलते। आइए, तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा, अभी 100 मीटर ही आए हैं और 100 मीटर आते ही हमें देखने को मिल गए यहाँ पे लंगूर बंदर, जो कि तादाद में बहुत ज्यादा है। तो आगे देखते हैं, और ये वाला तो बड़ी मस्ती में है, देखो ये वाला बड़ी मस्ती में। तो आगे देखते हैं, आगे और भी एडवेंचर आने वाला है, पता नहीं क्या क्या चीजें मिलेंगी क्या नहीं। वो आगे चल रहे दीक्षित भाई, सौरभ जी जो, तो अभी देखते हैं। तो भाई सीन बहुत ही गंदे वाला है एक्चुअली। अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे से, जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 किलोमीटर। लेकिन गर्मी ने और यहाँ की जो चढ़ाई है उसने ना बुरा हाल कर दिया। एक्चुअली हमने सिर्फ एक डिसीजन गलत लिया कि भाई हम लोग लेट निकले हैं। एक्चुअली कोई फ्रेंड आने वाले थे जिनके साथ हमें निकलना था, लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए। और लेट होने की वजह से सिर्फ एक डिसीजन हम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है, दूसरा भाई गर्मी से बुरी हालत है, तीसरा पानी पिए जा रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके थे यहाँ से अपना ट्रैक से कम 2 किलोमीटर की हाइट पे। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर नीलकंठ की चढ़ाई बच गई है। तो भाई जान निकल गई थी, तो इसलिए हम लोग रुके थे यहाँ पे कुछ सोडा या फिर नींबू पानी वगैरह पीने के लिए। और क्या सीन है यहाँ पे, दीक्षित भाई का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, और हमें अपने एरिया के मतलब 3 भाई मिल गए, 3 सब्सक्राइबर मिल गए, मतलब कि ठीक है सब्सक्राइबर समझिए, भाई समझिए, कुछ भी समझिए। तो अभी यहाँ से अपना 6 किलोमीटर का आगे का ट्रैक स्टार्ट करेंगे और आगे की जर्नी कैसी होगी वो आपको दिखाएंगे। ये दीक्षित भाई, भाई ने कहा था आधा कवर कर चुके हैं। नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, भाई साहब, भाई साहब पीछे नहीं बोला, भाई पीछे नहीं बोला, ये कट कर देगा, नहीं तो बोला, हमने बोला ही नहीं, आधा कवर कर चुके हैं। तो आधा ही कवर हो चुका भाई, 2 किलोमीटर नीचे से, 2 किलोमीटर नीचे से 2 किलोमीटर का ट्रैक, 4 किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो सिंपल सी बात है यार, आधा कवर हो गया, 4 किलोमीटर बचा हुआ है, 6 किलोमीटर लुक लो भाई। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने नींबू पानी पी लिया, पानी की बोतल वगैरह ले लिया, बस अभी यहाँ से निकलने की तैयारी। और जी जो अपना चश्मा लगाते हुए अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अपने को मिला एक शॉर्टकट, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये पता नहीं कितने किलोमीटर का है कितने का नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो रास्ता बचाएगा ही। तो आपको एक बार बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ ये शॉर्टकट कैसा कैसा नहीं है। भाई रिस्की है लेकिन एडवेंचर करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो एडवेंचर ही करेंगे। अपने सोनीपत वाले भाई ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, तो आप देखिए भाई पैर फिसल रहे हैं यहाँ से। ओए होए होए, बिल्कुल हमने एक्चुअली 2 मिस्टेक की है। एक्चुअली हम लोगों ने 2 मिस्टेक कर दी, एक टाइमिंग के और दूसरी हमने ट्रैकिंग शूज नहीं डाले। तो भाई पीछे देखिए जीजू आ जाओ, दीक्षित भाई आओ, दोनों हाथों में भी भर रखा पगड़ू कितना मैं मेरे हाथों में भी। तो भाई अच्छा रहे, चलो ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई, ये भी एक शॉर्टकट छोटा सा। हाँ लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अब मैं खतरों के खिलाड़ी, मैं तो दे। जो कि खतरों से खेल, ये पकड़ो
मैं सबसे पीछे हूँ, मैं इसलिए पीछे हूँ कि भाई किसी का रिदम ना टूट जाए, मैं उनको हौसला देने के लिए हौसला अफजाई किए जा रहा हूँ मैं उन सब की। भाई देखो कैसे ट्रैक आप देख ही सकते हैं, और एक हाथ में आपके लिए कैमरा लेके ऐसे ट्रैक पे चढ़ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है यार चैनल को टक से सब्सक्राइब करने का और घंटे पे क्लिक करना ना भूले भाई, यूट्यूब चैनल के। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा था, एक्चुअली हमें एक चीज़ का अभी अभी पता चला है जो कि हमें पहले नहीं पता था। तो एक्चुअली ये हमारी राइड ना स्पॉन्सरशिप राइड थी और दीक्षित भाई बताएंगे कि ये स्पॉन्सरशिप राइड एक्चुअली किसने से हमें स्पॉन्सर की है। दीक्षित भाई बताओ। रॉयल इमेज? नहीं भाई रॉयल इमेज नहीं, एक्चुअली ये स्पॉन्सरशिप राइड जो हमें मिली है वो मिली है बाबा भोलेनाथ शिव शंभू की तरफ से। अभी अभी हम लोग बैठ गए थे वापिस जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे जा सकते हो, स्पॉन्सर कर रखा है, पूरा आओ फोटो क्लिक कराओ फिर वापस जाओ। तो इसलिए भाई अभी अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर हम लोग ट्रैकिंग कर चुके हैं ऑफरोडिंग के, मतलब ऑफरोडिंग में शॉर्टकट वगैरह लेके, पानी पी पी के बुरा हाल हो चुका है, व्यू आप देख ही सकते हो। ओए होए होए गर्मी की वजह से मेन बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। दीक्षित भाई के तो पसीने छूट गए, इनकी तो टाइम टाइम फिस आवाज़ भी नहीं निकल रही, ऐसा हाल हो चुका है। तो अभी यहाँ से एक और पानी की बोतल लेके चलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं आपको आगे, दिखाते हैं आपको अच्छा अच्छा सा व्यू। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नीलकंठ के काफ़ी हाइट पे, तो मे बी यहाँ से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी कवर करना बाकी है, मतलब 1.5 किलोमीटर ट्रैक करना है, उसके बाद फिर वो बोल रहे थे कि भाई डाउन जाना पड़ेगा शायद 1 किलोमीटर, तो अभी वो पूरा का पूरा बाकी है। धूप से आज बहुत बुरा है, पानी पी पी के आप 4 बोतल खाली कर चुके हैं? हाँ 4 नहीं मे बी 5 कर चुके हैं, हर 1 किलोमीटर पर 1 बोतल लेनी पड़ती है, तो वो पी के। और पीछे का व्यू आप देख ही सकते हैं, मे बी कैमरे में इतना अच्छा नहीं आएगा लेकिन भाई अल्टीमेट व्यू है। हाँ ये चीज़ अगर यहाँ से कोई इंसान गया, इंसान क्या उसकी आवाज़ तक नहीं आएगी वापस, भाई बहुत ही मौसम वाला व्यू है, बस मौसम ने थोड़ा सा बुरा हाल कर रखा है क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, अदरवाइज तो ट्रैकिंग में मज़ा आ रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी आना पड़ा तो हम लोग मॉर्निंग में ट्रैक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा सा सांस में दिक्कत होती है, क्योंकि कई जगह तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से स्टीक चढ़ाई है और हमें नहीं पता आते टाइम हम ट्रैक करेंगे या फिर कैब वगैरह से आएंगे, जैसा भी होगा आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एंड में ही आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ कहीं छाया आती है हम लोग थोड़ा सा छाया में 1 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं ताकि आगे की तरफ चल सके, अदरवाइज तो भाई चलने वाला हाल है नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो भाई सीन कुछ ऐसा था, अभी आ चुके थे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 किलोमीटर यहाँ से बस चढ़ाई है 1 किलोमीटर की बाकी, और उससे बोल रहे हैं कि भी 2 किलोमीटर की फिर उतराई है, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी देर का ब्रेक लिया था, वो पीछे वो कुटिया सी दिख रही है वहाँ पे हम लोगों ने नींबू पानी वगैरह पिया, तो अभी चलने की गुंजाइश थी तो लगा कि भाई चलो कुछ ना कुछ और कर लेते, तो इसलिए थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट के लिए हम लोगों ने झूला लगा लिया। अभी दीक्षित भाई लेटे हैं आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर मैं लेटूंगा, थोड़ी देर जीजू लेटेंगे, बारी बारी सर आराम करके फिर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा भी टाइम हो रहा है 12:10, तो अभी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 या 1:30 बजे के आसपास नीलकंठ पहुँच जाएंगे, वहाँ से दर्शन करके उसके बाद हम लोग मे भी टैक्सी से नीचे जाए, क्योंकि आज ही हम लोग वापस जाएंगे, तो देखते हैं जैसा भी होगा आपको बताएंगे। बाकी इनको देखो ये तो सो ही गए भाई। ओ भाई हेलो, उठो भाई उठो, जाना भाई जाना है थोड़ी और पीछे का नजारा आप देखो, दिख ही नहीं रहा होगा मे बी दिख ना रहा है, तो अभी शायद मे बी आपको मैं काला काला दिखाऊंगा लेकिन पीछे का नजारा कुछ अगर दिखेगा तो तभी पता चलेगा। बाकी मौसम बहुत अच्छा है,
थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, पता नहीं क्या चीज है, बादल है या पोल्यूशन है या कुछ भी। तो मौसम बहुत ही औसम वाला है। और मेरी वीडियो स्टॉप कर दी भाई। दीक्षित भाई बोल रहे हैं इनकी वीडियो स्टॉप कर दो, एक्टिंग कर रहे थे भाई पीछे बैठे बैठे लेटे लेटे। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग नीलकंठ में पहुंच चुके हैं। हमने अपनी चढ़ाई पूरी कंप्लीट कर दी थी, अभी उतराई में बस 100-150 मीटर का फासला हमसे है मंदिर का, जो कि मार्केट है, क्योंकि अभी यहाँ से गांव वगैरह है जो ये नीलकंठ ये हमारा आ ही चुका है। तो मेन सीन ऐसा है कि भाई यहाँ पे आते आते ना अभी देखा जैसे कि खून को ना इतना ज़्यादा पंप हो रखा है ब्लड में, भाई हाथ बंद नहीं किया जाता, गर्मी का बुरा हाल है। पानी पी के हमने अपने आप को मतलब अभी तक हाइड्रेटेड रखा हुआ, अदरवाइज अभी तक डिहाइड्रेटेड हो गए हम लोग, मतलब वापिस हो जाते, और क्या होता है यार, ऊपर तो क्या जाते वापिस हो जाते। लेकिन ये है कि भाई हाँ ट्रैकिंग करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया अभी हमें। यहाँ पे बिल्कुल प्लेन इलाका सा आ गया, तो दुकानें सारी की सारी यहाँ पे लगभग अभी तो बंद ही हैं, आगे जो मंदिर के पास होंगी वो ओपन होंगी। तो बाकी जैसा भी रहा, और मंदिर में अगर मोबाइल अलाउड रहा तो वहाँ पे दिखाएंगे, अदरवाइज तो जूते निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली अभी दर्शन कर लिए हैं, और हमारे पीछे नीलकंठ महाराज का मंदिर, तो अभी अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हैं। भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, क्राउड ये निकास द्वारा है, अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था, तो इस वजह से मतलब वीडियो वगैरह या फोटो वगैरह कुछ भी हमारे पीछे देख सकते हैं आप। ये मंदिर है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लगी हुई है। यहाँ से अभी हम लोग ने बस दर्शन वगैरह कर लिए, बस यहाँ पे समाधि स्थल है, समाधि स्थल पे बस अपना मत्था टेकेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो भाई लोग अभी हम बाहर निकल लिए हैं, यहाँ से अपने शूज़ वगैरह पहनेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी बाइक है अभी यहाँ से नीचे ऋषिकेश जाएंगे, फिर वहाँ से अपना नहा धो के जल वगैरह लेके और उसके बाद सीधा अपने घर के लिए निकल लेंगे। अभी वैसे भूख लगी हुई है, देखते हैं कुछ खाने को यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ है कि अपने शूज़ वगैरह लेने, क्योंकि यहाँ पे धूप में की वजह से पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं और पैर बहुत ज़्यादा ही जल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी बस जा रहे हैं वहीं दोबारा से जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद देखते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पे हैं नीलकंठ की मार्केट में, और मार्केट काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा नीलकंठ से रिलेटेड मतलब रुद्राक्ष वगैरह और ये लकड़ी चंदन केसर वगैरह हर एक चीज़। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ, वहाँ पे जाके हम लोग लेंगे टैक्सी, यहाँ से टैक्सी लेके हम लोग फिर अपना नीचे जाएंगे और अपना नहा धो के फिर घर के लिए वापसी करेंगे, क्योंकि भाई पैरों में जान नहीं बची है ट्रैकिंग करके, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। अभी बस एक बार नीचे पहुँच जाएँ उसके बाद ही देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग वापस नीलकंठ से दर्शन करके वापस शेयरिंग कैब करके और वापस आ चुके हैं हम लोग। अभी क्या है कि एक तो ज़ोरों से भूख लगी हुई है, तो हमने अपनी गाड़ी में से कपड़े वगैरह निकाल लिए, तो अभी एक बार जाएंगे नहाएंगे, नहाने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होके फिर खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद फिर उसके बाद देखते हैं आज का क्या प्लान रहेगा क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो बस जाके यार नहाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत बहुत टाइट हो रखी है। तो अभी देखते हैं, कोई भी मतलब ये प्लान नहीं है कि भाई क्या करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं बाकी। तो भाई लोग कल हम आ गए थे घर वापसी, और काफ़ी लेट हो गए थे, रात के बज चुके थे हमें 12 बजे हमने दीक्षित भाई को छोड़ा था, 1 बजे मैं और जीजू घर पे आए थे, तो इस वजह से कल कोई भी शूट नहीं कर पाए आते टाइम का, क्योंकि भाई रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और होप सो कि भी आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।